हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर पीएस क्लासेस से मैथमेटिक्स का एक और नया लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। अब तक मैंने आपको बच्चों तीन चैप्टर करा दिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज। अर्थमेटिक का आज मैं आपको चौथा चैप्टर कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, आपके दो या तीन नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस का समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, क्या मतलब होता है प्रॉफिट का, क्या मतलब होता है लॉस का। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या होता है? सपोज़ छोटी सी चीज़ से लेते हैं, सपोज़ आपने एक पेन ख़रीदा, उस पेन की कीमत है 100 रुपये। यदि बच्चों वो पेन आपने 100 रुपये में ख़रीदा, आपके किसी फ्रेंड को पेन पसंद आ गया और उस पेन को आपने अपने फ्रेंड को बेच दिया और उस पेन को आपने अपने फ्रेंड को बेचा 120 रुपये में, तो जिस भी रेट में आपने वो पेन ख़रीदा उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिस भी कीमत में आपने वो पेन अपने दोस्त को बेचा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, बस ये पूरा चैप्टर आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस पर ही पूरा बेस्ड है ये चैप्टर। तो आइए करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का फोर्थ चैप्टर है मैथ्स। ठीक है, चैप्टर नंबर फोर है बच्चों आपका, तीन चैप्टर हम करा चुके हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि। पहले हम आपको इस चैप्टर का बेसिक बताते हैं पूरा, क्या है इस चैप्टर का बेसिक, क्या क्या हम आपको इसमें बताने वाले हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बेसिक में बताने वाला हूँ इस चैप्टर के। ठीक है, क्या होता है देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको बोला जाता है बच्चों कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं सीपी से। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जितने में भी कोई चीज़ खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सर उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेकंड है आपका विक्रय मूल्य जिसको बेटा बोलते हैं आपके सेलिंग प्राइस। और बच्चों इसको डिनोट करते हैं एसपी से। ठीक है ना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं बेटा आपका सेलिंग प्राइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक छोटी सी चीज़ ध्यान दीजिए, देखो आपने वो चीज़ 100 रुपये की खरीदी और बच्चों वो आपने चीज़ 120 रुपये की बेची, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई बताइए। सर हमने उस वस्तु को सस्ते में ख़रीदा, कोई भी पेन लिया, चलो आपने हमने वो पेन सर 100 रुपये में ख़रीदा और वो हमने 120 रुपीज़ में बेच दिया, तो इसका मतलब सर हमें 20 रुपये की लाभ हुई। ठीक है, वो पेन हमने सर 100 रुपये का ख़रीदा, हमने वो 70 रुपीज़ में बेच दिया तो हमें 30 रुपये की हानि हुई। तो यदि कोई चीज़ आप सस्ते में ख़रीदते हैं और उसको महंगे में बेचते हैं तो होता है लाभ, यदि कोई चीज़ आप महंगी खरीदते हैं और उसको सस्ते में बेचते हैं तो होती है आपको हानि। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसे, यदि मैं बात करूं आपकी लाभ, प्रॉफिट कब होगा आपको लाभ? सर प्रॉफिट हमें तब होगा, कब होगा बच्चों? जब हमने वो चीज़ सस्ते में ख़रीदी होगी और महंगे में बेची होगी। ठीक है ना, प्रॉफिट इज़ इक्वल्स टू हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है,
यदि वो चीज़ आपने ज़्यादा में बेची होगी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हानि की, हानि की, लॉस। कब होगा बच्चों लॉस? सर लॉस जब होगा जब हमने वो चीज़ खरीदी होगी ज़्यादा में और बेची होगी कम में, यानी कि हमने वो चीज़ खरीदी होगी 200 रुपये में, बेची होगी 150 रुपये में। ठीक है, और ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं बच्चों प्रॉफिट के, लॉस के। लेकिन क्वेश्चन आता क्या है, वो आपसे प्रॉफिट और लॉस डायरेक्टली नहीं पूछता, वो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पूछता है। ठीक है ना, तो यहीं पे ही हम आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताएंगे, यहीं पे ही, और हम आपको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बताएंगे। यदि वो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यदि वो आपसे लॉस का परसेंटेज पूछ रहा है, लॉस कितने रुपए का लॉस हुआ है आपको, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा उसमें बेस में क्या लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले लिख दिया आपके सामने। ठीक, यानी कि प्रॉफिट वाली कंडीशन में, प्रॉफिट वाली कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट वाली कंडीशन में एसपी ज़्यादा होगा किससे, सीपी से। लॉस वाली कंडीशन में सीपी ज़्यादा होगा किससे, एसपी से। ठीक है, और जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो सीपी और एसपी बेटा दोनों ही इक्वल वैल्यू होंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब। ठीक है ना, चलिए आगे भी चलते हैं और एक दो चीज़ देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ और देख सकते हैं हम इसमें, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस बच्चे आपका हमेशा सीपी पे काउंट होता है, यानी कि बेस वैल्यू हमेशा सीपी होगी प्रॉफिट और लॉस में। प्रॉफिट की यदि मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो एसपी ज़्यादा होगा किससे, सीपी से। लॉस की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो सीपी ज़्यादा होगा किससे, एसपी से, सेलिंग प्राइस से। और यदि नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो सीपी और एसपी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जितने रुपए में चीज़ को ख़रीदा उतने ही रुपए में हमने उस चीज़ को बेच दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, और ये वाली तीनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा होती है और कम होती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, जिस भी रेट पर कोई चीज़ बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिस भी रेट पर कोई चीज़ खरीदी जाती है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट की कंडीशन में एसपी की वैल्यू सीपी से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, यदि सर हम उस चीज़ को महंगा बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, यदि सर उस चीज़ को हमने सस्ता बेच दिया जितने में हमने ख़रीदा है तो उस कंडीशन में सर हमें लॉस होता है। बेसिकली वहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा जाता है, क्या फॉर्मूला होगा, कितने का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंटेज में कितने का लॉस हुआ, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लेकिन मैं आपको इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन कराएंगे लाइक परसेंटेज वाले क्वेश्चनों की तरह। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक और आता है आपका डिस्काउंट वाला, वो हम आपको बाद में कराएंगे, पहले प्रॉफिट और लॉस के बारे में सारा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आइए कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट और लॉस के बारे में, जो आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, यदि प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन है तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी, केवल और केवल आपको प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आपको केवल रेशो निकालना है। ठीक है, दो तीन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको ऐसे लिखा हुआ है 25%, इसका मीनिंग क्या है, यदि आपको ऐसे लिखा हुआ है 25% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है,
कुछ भी हो सकता है परसेंटेज, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल है बच्चों, ठीक है, ये हम आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। यदि आपको लिखा हुआ है 25% लॉस, हमने आपको एक बात बताया, कोई भी कंडीशन हो प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में, आपको रेशो किसका फाइंड आउट करना है? सर हमें हमेशा रेशो फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, सीपी और एसपी के रूप में आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। बस आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है, दैट्स इट। और यदि आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा? इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 25% ऑनली, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 25%? सर 25/100, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। परसेंटेज के निशान को हटाने के लिए मल्टीप्लाई 1/100 करते हैं, परसेंटेज के चैप्टर में ऑलरेडी ये चीज़ हम बता चुके हैं, तो इसका आ जाएगा 1/4। केवल परसेंटेज को सॉल्व किया है, लेकिन यदि प्रॉफिट की बात हो रही है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 25/100, ये सबको समझ में आ रहा है सर। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि सर प्रॉफिट की बात हो रही है, ध्यान से सुनना बच्चों, यदि प्रॉफिट की बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है, तो बेस वैल्यू को हमेशा क्या मानते हैं? कॉस्ट प्राइस। यदि प्रॉफिट की बात हो रही है तो इसको ऐड कर लीजिए, पहले इसको थोड़ा सा समझिए, फिर हम अब इसको लॉजिकली बताएंगे आपको, ठीक है। और आपको रेशो किसका निकालना है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। देखिए, यदि किसी वस्तु को 4 रुपये में आपने ख़रीदा, 1 रुपये का आपको लाभ हुआ, तो कितने में बेचा होगा बेटा? सर 5 रुपये में। 4 रुपये में सर हमने उस चीज़ को ख़रीदा, 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ और 5 रुपये में हमने बेचा। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं यदि प्रॉफिट की कंडीशन है तो उसमें करते हैं प्लस। और इसको याद करने का तरीका है, प्रॉफिट का पहला अल्फ़ाबेट पी होता है, प्लस का भी पहला अल्फ़ाबेट पी होता है, ठीक है। यदि मैं आपसे बात करूं 25% लॉस, तो सबसे पहले 25/100 लिखेंगे हम, इसका मतलब क्या होता है? 1/4, ठीक है। लॉस का मतलब क्या होता है? माइनस, ठीक है। बेस वैल्यू को हमेशा क्या मानते हैं? कॉस्ट प्राइस माना जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, CP/SP। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि वो चीज़ आपने बच्चों 4 रुपये की ख़रीदी, 1 रुपये का आपको लॉस हुआ, तो आपने कितने की बेची होगी? सर हमने 4 रुपये की वो चीज़ ख़रीदी है, 4 रुपये का पेन, 1 रुपये का मुझे लॉस हुआ, तो जाहिर सी बात है मैंने उसको 3 रुपये में बेचा होगा। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। केवल और केवल आपको सभी क्वेश्चनों में प्रॉफिट और लॉस के इस रेशो को चेंज करना आना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, जिस बच्चे को ये रेशो चेंज करना आ गया उसके लिए प्रॉफिट और लॉस में कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी, ठीक है, अंडरस्टैंड। देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट की कंडीशन में प्लस करेंगे, प्रॉफिट की कंडीशन में प्लस करते हैं, लॉस की कंडीशन में माइनस करते हैं। और सभी क्वेश्चनों को हमें किस फॉर्म में चेंज करना है बेटा? सर सभी क्वेश्चनों को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। प्रॉफिट का मतलब प्लस करना और लॉस का मतलब माइनस करना, ठीक है। एक दो चीज़ और बताते हैं इसमें हम। यदि आपको ऐसे लिखा हुआ है 25% ऑफ CP, तो 25% का मतलब क्या है? 1/4। यदि ऐसे लिखा हुआ है तो बेस वैल्यू को मानेंगे CP, ठीक। यदि आपके सामने लिखा हुआ है 25% ऑफ SP, यानी कि SP पे लाभ हुआ है अब आपको, तो 25 का मतलब 1/4, अब बेस वैल्यू का मतलब हो जाएगा SP, ठीक है। यदि आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 25% ऑफ MP, यानी कि मार्क प्राइस, 25 का मतलब 1/4 बच्चों, और अब की बार बेस वैल्यू हो जाएगी MP, मार्क प्राइस, ये जो हम आपको बाद में बताने वाले हैं। लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इस वर्ड के साथ, इस परसेंटेज के साथ जो भी वर्ड जुड़ा होगा, CP तो बेस वैल्यू CP, इसके साथ SP तो बेस वैल्यू SP, इसके साथ MP तो बेस वैल्यू MP, ठीक है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जो आपको पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है। इसको आप ध्यान से और साफ साफ उतार लीजिए, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको, ठीक है। और केवल आपको कुछ नहीं करना पूरे चैप्टर में, आपको केवल बेटा क्या करना है? सर हमें उस चैप्टर में चीज़ों को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? CP/SP, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और, कई बार क्वेश्चनों में लिखा होता है लागत मूल्य,
तो लागत मूल्य का मतलब बेटा कुछ नहीं होता, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जिस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब जिस पर कोई चीज़ खरीदी जाती है। आई होप आप सभी लोगों को, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उतार लीजिएगा इसको। अब चल आइए बच्चों, कुछ बेसिक्स के बाद अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ प्रॉफिट और लॉस के, जो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। टाइप फर्स्ट के बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है, और केवल एक अप्रोच को पकड़ के हम क्वेश्चन करेंगे। वही अप्रोच, कौन सी अप्रोच? सर एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब एक बार ज़रा ध्यान से समझिए पहला क्वेश्चन, हम आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप सभी लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, एक बार आराम से समझिए पहले पहला क्वेश्चन। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, लेकिन जो हम मेथड बता रहे हैं उनसे सारे ही क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 630 रुपये में बेची गई वस्तु पर 12.5% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आपको बच्चों कुछ नहीं करना परसेंटेज के चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में, जो चीज़ परसेंटेज वैल्यू दी हुई है केवल और केवल उसको सॉल्व कर लीजिए आप। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 12.5% लाभ को सॉल्व कर लीजिए बस आप। 12.5% लाभ इसको सॉल्व कर लो बेटा बस आप। देखिए 12.5% को सॉल्व करके आपको पता है कितना आता है? सर 1/8 आता है। कैसे? 12 × 2 = 24 और 1 = 25, 25/2 × 1/100, 25 × 100 इट विल बिकेम 1/8, ठीक है। परसेंटेज में ये सब चीज़ बता चुके हैं। यदि सर प्रॉफिट की बात हो रही है तो इसको कर देंगे प्लस, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन चेंज कर लीजिए सर आप, CP/SP, क्योंकि इसको CP एज्यूम कर लेंगे। यदि 8 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो कितने में बेची होगी? 9 रुपये में, ठीक। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 630 रुपये में बेची गई, आपके अकॉर्डिंग कितने रुपये में बेची जा रही है बेटा वस्तु? 9 रुपये में। सर SP जो है वो मेरे अकॉर्डिंग कितना है? वही यूनिटरी मेथड, SP जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? बस यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। मेरे अकॉर्डिंग SP कितना आ रहा है? 9। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बेटा? 630। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70। 630/9 हो जाएगा, 9 × 7 = 63 और 0। आपसे पूछा क्या है बेटा? हमसे पूछा है सर CP, आपके अकॉर्डिंग CP कितना है बेटा? 8 रुपये। करना कितना है? 70 × 560 रुपये, यही मेरा आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया सर आपने, सर आपने परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व कर लिया। क्या लिखा हुआ है? 12.5% लाभ, आपने सर 12.5% लाभ को सॉल्व कर लिया। 12.5% की वैल्यू सर आपने परसेंटेज में बताइए, 1/8 आता है। यदि लाभ की बात कर रहे हैं तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे वाले को CP मानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, CP/SP। 8 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने में बेची होगी बेटा? 9 रुपये में बेची होगी। सर क्वेश्चन में SP दिया हुआ है, ये रहा 630 रुपये में बेची गई, आपके अकॉर्डिंग SP कितना आ रहा है? 9 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 630 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। बेटा मैं आपको सारे ही चैप्टर इसी मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CP निकालना है, मेरे अकॉर्डिंग CP कितना है? 8 रुपये है। करना कितने गुना है? 70 गुना, वही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हम कुछ भी नहीं करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, केवल और केवल पहला स्टेप परसेंटेज वैल्यू सॉल्व करना, दूसरा स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। क्या है स्टेप भी आप लिख सकते हैं, 2-3 स्टेप के क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या है सर? परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करना, सेकंड स्टेप क्या है बेटा? सर सेकंड स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, ठीक है। और बेटा थर्ड स्टेप क्या है सर? थर्ड स्टेप है कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। बस इतने स्टेप के क्वेश्चन है आपके प्रॉफिट और लॉस के, देख लीजिए। 3 स्टेप में करेंगे
सबसे पहला क्या दिया है, 1470 रुपये में 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेची गई, 16 से ही 3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यानी कि ये चीज़ क्या दी हुई है सर, ये दिया हुआ है लाभ कितना, 16 से ही 2/3%। क्या है बेटा ये लाभ है सर, ये क्या है सर, ये सर ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। लाभ दिया हुआ है 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी आती है, 16 × 3 = 48 और 2 = 50, 50 × 3 × 1/100, 50 × 2 = 100 और 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा सर हमारा 1/6। यदि सर लाभ की बात हो रही है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है बेटा आपका, सर सेकंड स्टेप है हमारा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, CP/SP। CP की वैल्यू कितनी है 6 रुपये, 1 रुपये का आपको लाभ हुआ तो SP कितना हो गया 7 रुपये, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है बेटा आपका, सर थर्ड स्टेप है हमारा कंपेयर करना, क्या कंपेयर करना सर, 1470 रुपये दिया हुआ है SP, आपके अकॉर्डिंग SP कितना दिया हुआ है 7 रुपये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP कितना दिया हुआ है 1470 रुपये, बस कर लीजिए 7 रुपये, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1470 रुपये, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से, 210 रुपये, ठीक है। आपसे निकलवा क्या रहा है सर, CP निकलवा रहा है, आपके अकॉर्डिंग CP कितना है 6 × 210, ठीक है, 0, 6, 12, यही आपका आंसर, ठीक है। देख लीजिए आपने 1260 में वो चीज़ खरीदी, 1470 में बेची, तो लाभ ही हुआ क्योंकि कम में खरीदी ज़्यादा में बेची, यही आपका आंसर। देख लीजिए मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा आपके इस क्वेश्चन में, केवल और केवल 3 ही स्टेप का क्वेश्चन है जो हमने आपके सामने लिखे हैं। पहला स्टेप क्या है सर, आपने परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करा। दूसरा स्टेप क्या है मेरे बेटे, सर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, CP और SP की फॉर्म में चेंज कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है सर, आपने कंपैरिजन किया, जो चीज़ क्वेश्चन में दी है उसको अपने वाली चीज़ से, जो आपने अपने मेथड से निकाला है उससे कंपैरिजन करना, कंपैरिजन का मतलब होता है एक यूनिट की वैल्यू निकालना, उतने से ही मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यानी कि केवल प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन कितने स्टेप में सॉल्व होंगे, केवल और केवल 3 स्टेप में प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन बच्चों, ये आपका ये बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को, सॉल्यूशन तीसरे क्वेश्चन का, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3%, ध्यान दीजिएगा अब की बार बोला है बेटा विक्रय मूल्य पर, और हमने आपको क्या सॉल्व करके दिखाया था अभी सर, आपने ये चीज़ सॉल्व करके दिखाई थी, 25% ऑफ CP बोला है तो बेस वैल्यू CP होगी, 25% ऑफ SP बोला है तो बेस वैल्यू को आप SP मानेंगे, 25% ऑफ MP बोला है तो सर बेस वैल्यू को आप MP मानेंगे, यही हमने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पर लाभ बोल रहा है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है बेटा सर, हमें दिया हुआ है 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट, किस पर, SP पर। इसी लाइन का ध्यान देना है आपको, किस लाइन का सर, ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% का लाभ, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से देखना बेटा, एक ही बार में क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है सर, जब यहाँ पे SP लिखा हुआ होगा तो बेस वैल्यू को SP मानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेस वैल्यू को CP मानेंगे, यहाँ पे MP लिखा हुआ है तो बेस वैल्यू को MP, MP का मतलब मार्क प्राइस। 16 से ही 2/3% की वैल्यू कितनी आती है 1/6, ठीक है। जब सर यहाँ पर SP आ रहा है लिखा हुआ है, यहाँ पे SP लिखा हुआ आ रहा है, तो सर आपने अभी अभी बताया है इसको भी हम SP ही एज्यूम करेंगे, ये चीज़ मैंने आपको इन क्वेश्चन से पहले बताई है। अब आप ध्यान दीजिएगा वहाँ पे आपने SP लिख दिया, सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा सर, सेकंड स्टेप होगा CP और SP की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ आपने 6 रुपये में बेची, यहाँ लिख लीजिए, एक चीज़ आपने 6 रुपये में बेची, 1 रुपये का आपको लाभ हुआ तो कितने रुपये में खरीदी होगी सर, 5 रुपये में खरीदी होगी,
अब की बार प्रॉफिट का मतलब प्लस नहीं है, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चन की। 6 रुपये में आपने कोई पेन बेचा, 1 रुपये का आपको लाभ हुआ, तो कितने में खरीदा होगा? सर 5 रुपये में ही खरीदा होगा। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बेटा इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य पे लिखा हुआ है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में भी बेटा विक्रय मूल्य पे लिखा हुआ है, उससे अगले क्वेश्चन में भी विक्रय मूल्य पे लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है बेटा? थर्ड स्टेप कुछ भी नहीं है सर, कंपैरिजन करना है। किस चीज़ का कंपैरिजन करना है? कुछ भी कंपैरिजन नहीं करना। एक दुकानदार 16 से ही 2/2 लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ का प्रतिशत बताओ। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, इसमें CP की वैल्यू कितनी है बेटा, SP की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा। सर CP की वैल्यू 5, SP की वैल्यू 6। कितने रुपए का लाभ हुआ बेटा रुपए में? सर 1 रुपये का लाभ हुआ। परसेंटेज में कितना लाभ हुआ? 1 रुपये का लाभ हुआ, कितने से हुआ? 5 रुपये से हुआ। जो बेस वैल्यू होती है उसको बेस वैल्यू बना देते हैं, मल्टीप्लाई 100, और ये आ गया आपका 20%। यही मेरा आंसर। सर वास्तविक लाभ कैसे निकाला आपने? अब आपका CP 5 रुपये हुआ, SP 6 रुपये हुआ, रुपये में 1 रुपये का लाभ हुआ। परसेंटेज लाभ कैसे निकालते हैं? जितने रुपये का लाभ हुआ उसको ऊपर लिखो, जितने रुपये से हुआ यानी बेस वैल्यू उसको नीचे लिखो, मल्टीप्लाई 100। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व आपका। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत आसान है। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से ही 2/3%, विक्रय मूल्य पर ही बोल रहा है बेटा, अब भी है विक्रय मूल्य पर, क्या कह रहा है? 8 से ही 1/3% लाभ, ठीक है। सबसे पहले 8 से ही 1/3% को सॉल्व करें, 8 से 24 और 1 25, 25/3 × 1/100, 25 × 100, ठीक है, और 4 से 12, ये आपका आ जाएगा 1/12। सर जब यहाँ पे SP है तो इसको भी हम SP ही मानेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है बेटा? ये फर्स्ट स्टेप है आपका, सेकंड स्टेप क्या है मेरे बेटे? सर स्टैंडर्ड फॉर्म CP/SP, ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम CP नहीं लिख रहे, SP। 12 रुपये में कोई चीज़ आपने बेची, 12 रुपये का कोई पेन बेचा बेटा आपने, 1 रुपये का आपको लाभ हुआ, तो कितने में खरीदा होगा? सर 11 रुपये में खरीदा होगा हमने वो पेन। उम्मीद करते हैं आपको सबको सही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वास्तविक लाभ का प्रतिशत बताना है, यहाँ पे लिख लीजिए, 11 रुपये में मैंने सर पेन खरीदा था, 12 रुपये में बेचा, सर रुपये में तो मुझे कितने का लाभ हुआ? 1 रुपये का। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्रॉफिट, सर रुपये में मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ, 11 रुपये से हुआ, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इट विल बिकेम 11 × 99 और 100% आंसर, यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा मैं, 1 या 2 स्टेप में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं, और इससे आसान तरीका आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देख लेते हैं। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, यहाँ पे भी SP दिया हुआ है, 25%, देखिए ऐसे लिखा हुआ होता है इंग्लिश में, 25% लॉस ऑफ SP, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। 25% का मतलब होगा ये SP, यदि यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको भी आप SP मानेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका बेटा, ये सेकंड स्टेप होगा आपका। सेकंड स्टेप क्या होगा? CP और SP का रेशो निकाल लीजिए आप। देखिए 4 रुपये में कोई पेन आपने बेचा, 1 रुपये की हानि हुई, तो कितने में? ज़्यादा में खरीदा होगा। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, यानी कि सर आपने 5 रुपये में खरीदा होगा वो पेन, जभी तो 4 रुपये में बेचा। सर खरीदा हम मैंने वो महंगा पेन और बेच दिया मैंने वो सस्ता, तो कितने रुपये में खरीदा? सर 1 रुपये की हानि हो रही है, 4 रुपये में आपने कोई पेन बेचा बेटा, 1 रुपये की हानि हुई, तो कितने में खरीदा होगा? सर 5 रुपये में खरीदा होगा, जभी तो आपको हानि हो रही है, ठीक है। अब CP और SP का वास्तविक लॉस, CP SP, सर 5 रुपये में पेन खरीदा, 4 रुपये में बेचा, सर रुपये में तो हुआ मुझे 1 रुपये का लॉस, माइनस लगा लीजिए 1 रुपये का लॉस,
यदि आप परसेंटेज लॉस की बात करें तो सर रुपए में मुझे हुआ 1 रुपये का लॉस, कितने से हुआ सर? 5 रुपये से हुआ, मल्टीप्लाई 100, और ये कट गया आपका 20 बार, यानी कि 20% का आपको लॉस हुआ, और यही आपका बेटा आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या चीज़ बेटा आपको समझ में आई होगी? यदि सर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, यदि उसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ तो बेस वैल्यू को सीपी मानेंगे, यदि उसके साथ एसपी जुड़ा हुआ है, जैसे कि इन तीनों क्वेश्चन में इस प्रॉफिट के साथ एसपी जुड़ा हुआ था बेस वैल्यू को एसपी माना, इस प्रॉफिट के साथ एसपी जुड़ा हुआ था बेस वैल्यू को एसपी माना, इस लॉस के साथ एसपी जुड़ा हुआ था बेस वैल्यू को एसपी माना। तो बेसिकली बेटा आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है आज, और ये लेक्चर किसी भी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होता है बेटा वो बेसिक लेक्चर होता है, और उस लेक्चर को आपको कम से कम 2 बार बहुत ध्यान से देखना होता है। यदि आपको वो बेसिक लेक्चर सही से समझ में आ जाता है तो आपको पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? आइए आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ मैं इस चैप्टर के, ठीक है? कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको इस चैप्टर के। तो आइए बच्चों कुछ और क्वेश्चन आपको करा लेते हैं टाइप 2 के, ठीक है? जो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। आता है इनमें से एक दो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है? देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। 36 किताबों का लागत मूल्य, हमने आपको पहले ही बताया लागत मूल्य किसके बराबर होता है सर? क्रय मूल्य के। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य बराबर है। कुछ नहीं करना, इक्वेशन बना लीजिए। 36 CP इज इक्वल्स टू 30 SP, यही तो मतलब है। 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितनी 36 किताबें जितने रुपए में खरीदी जाती हैं, 30 किताबें उतने रुपए में बेची जाती हैं। जाहिर सी बात है आपको लाभ होगा। आपको करना क्या है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे CP एज इट इज़ रहने दीजिए, SP इसके नीचे ले आइए, CP अपॉन SP। 30 को एज इट इज़ रहने दीजिए, जो CP के साथ था वो इसके नीचे चला जाएगा 36। अब इस बात का मतलब क्या है सर? 30 रुपये का मैंने एक पेन खरीदा और 36 रुपये में बेच दिया। 30 रुपये का पेन खरीदा, 36 में बेचा, तो बेटा कितने रुपये का लाभ हुआ आपको? सर 6 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन वो लाभ रुपये में नहीं पूछ रहा, लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से। प्रॉफिट का परसेंटेज जितने रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखिए, 6 रुपये का। कितने रुपये से हुआ सर? 30 रुपये से हुआ, उसको नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100, ठीक है? 10 से 10 कैंसिल, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 20, 20% प्रॉफिट हुआ, यही आपका आंसर। देखिए कुछ नहीं करा मैंने, ये आपको इक्वेशन दी हुई थी, इसमें मैं आपको थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पैटर्न के मैं आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैक्सिमम यही क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा कल। आज केवल आप यहीं तक ही करना, बेसिक पढ़ना चैप्टर का, स्टैंडर्ड ये वाले क्वेश्चन करना। 36 CP इज इक्वल्स टू 30 SP, CP एज इट इज़ रहने दिया, SP को इसके नीचे लेके आए, जो इसके साथ है वो इसके नीचे चले गया। 30 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और सर 36 रुपये में बेच दी, कितने रुपये का लाभ हुआ? 6 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितने रुपये का लाभ हुआ उसको ऊपर लिखो, जितने से हुआ उसको बेस में लिखो, मल्टीप्लाई 100, और आपका आंसर, ठीक है? अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 वस्तु का क्रय मूल्य 5 CP इज इक्वल्स टू 3 SP, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP अपॉन SP इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज रहने दिया, 5 को नीचे लिखा। सर 3 रुपये का एक मैंने पेन खरीदा, 5 रुपये में बेचा, कितने रुपये का लाभ हुआ बेटे रुपये में? सर 2 रुपये का लाभ हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सर 2 रुपये का लाभ हुआ, कितने से हुआ? 3 से हुआ, मल्टीप्लाई 100, 200/3, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसको सॉल्व करने में सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? 8वां क्वेश्चन बेटा और देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका आया हुआ है CGL में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ठीक है? देखिए यदि लागत मूल्य यानी कि CP और बिक्री मूल्य यानी कि SP दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 10 और 14। अनुपात का मतलब बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही होता है। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CP रेशो
एसपी इज इक्वल्स टू 10:14। इस बात का बेटा यही मतलब है, सीपी की वैल्यू 10, एसपी की वैल्यू 14। 10 रुपये में आपने एक पेन खरीदा, 14 रुपये में बेचा, रुपये में कितना लाभ हुआ? 4 रुपये का। लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सर 4 रुपये का लाभ हुआ, कितने से हुआ? 10 से हुआ, मल्टीप्लाई 100, 40%। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2015 के प्री में आया हुआ है, सीजीएल 2015 के प्री में ये चीज़ आपको गिवन थी। और जब भी कोई चीज़ आपको बेटा रेशो में दी होती है, उसको आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का बेसिक और आज के 8 क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के बेसिक क्वेश्चन, आज का बेसिक और आज के 8 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराएंगे और धीरे धीरे 3 या 4 लेक्चर में ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और यदि समझ में आया है तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है? आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।